हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं आज मेरा सेकेंड डे है, सो मैं कहा चलो मॉर्निंग का थोड़ा घूम के आते हैं, और कब निकल जाना था कोई भरोसा नहीं है। तो मैं जनिशा भी सो रही थी, मेरे फ्रेंड्स भी आए थे साथ में, भी सो रहे थे। मैं कहा चलो थोड़ा घूम के आते हैं। तो हम लोग आए थे, नाइट का पूरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब सब कुछ क्लीन होगा, उसके बाद फिर इन्जॉय करेंगे। तो मैं चल रही हूँ अभी फिर से होटल पर, थोड़ा हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर आएँगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे। सो हम निकल रहे हैं बिग फूट घूमने, चले चलते मिलते हैं। सो मैं पहुंच चुकी हूँ बिग फूट, जी हाँ, और बहुत फेमस है यहाँ की ये जगह, यहाँ पे बहुत। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करिए। बिग फूट जो है ना, यहाँ पे सब कुछ है ना, पहले गोवा कैसा था वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। आप यहाँ पे जाएंगे तो कुछ अराउंड जो है 150 रुपीज़ जो है यहाँ के चार्जेस हैं। सो आपको यहाँ से सब कुछ पहले डिवाइस वाइज दे दिया जाता है, आपको यहाँ के कल्चर के बारे में सब कुछ समझाया जाता है, फिर आप अंदर जाके धीरे धीरे इंजॉय करिए, आपको हर एक चीज़ के बारे में हमें बताया जाता है। तो चलिए आप भी इंजॉय करिए, और जो है अगर आप गोवा है तो एक बार यहाँ पे ज़रूर घूम के आए, यहाँ से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरी भी है। तो यहाँ पे जो है कहा जाता है कि कुछ में से कुछ एलियन है, उनके पैरों के निशान है, कुछ लोगों का क्या मानना है कि किसी भगवान के निशान है, तो कुछ स्टोरी है रिलेटेड। तो आप वो चीज़ें भी यहाँ पे आके इन्जॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए आप भी देखिए कि पहले गोवा कैसा था। सो यहाँ पे आपको डोना पोला की भी स्टोरी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे पहले बुनकर कैसे काम किया करते थे, वो सारी चीज़ें सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे स्टैचू के द्वारा सब बताया गया है। और ऐसे देखने में ऐसा फील होता है जिससे सब कुछ रियल है, ऐसा लगता ही नहीं कि सब कुछ जो है बनाया गया, इतना खूबसूरत है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जो जाएंगे वो देखेंगे तो उनको फील होगा वाओ कितनी प्यारी जगह है। तो आप ऐसे ही इंजॉय करते रहे, चलिए हमारे साथ, अब चलते हैं हम आगे की और देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है ना, छोटी छोटी चीज़ें, हर एक छोटी छोटी चीज़ें कैसे यहाँ पे हर काम किए जाते थे, कैसे लोग गाय भैंस पाला करते थे, कैसे लोग क्या काम किया करते थे, तो वो सब चीज़ें गाँव, पहले गाँव गोवा एक बहुत छोटा सा गाँव ही था, धीरे धीरे वो डेवलप हो गया। तो पूरी चीज़ें जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छे से बताई गई हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ को बारीकी से ध्यान रखकर यहाँ पूरा, वैसे जैसे आप गांव में देखते हैं छप्पर वाला घर, वैसे छप्पर वाले घर, फिर उसके बाद फिर सूप से अनाज। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक चीज़ आपकी आंखों के सामने, मैंने पूरा जितना भी बिग फूट था ना उसमें का पूरी पूरी रिकॉर्डिंग कर रखी है। अगर आप कभी जो घूमने नहीं भी जा पा रहे ना, उनको एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। सो मैंने सब कुछ यहाँ पे कवर किया है। आगे जो आप फार्म हाउस देख रहे हैं ना, वहाँ पे है ना फिल्म की शूटिंग हुआ करती है। तो मैंने सुना है यहाँ पे जो है ना अजय देवगन की जो है ना सिंघम मूवी पार्ट वन जो है ना वहाँ पे शूट हुई थी। और बहुत सारी ऐसे बहुत सारे वहाँ के जो है जो दृश्य हैं यहाँ पे गोवा में ही शूट हुए थे। वैसे अजय देवगन की काफ़ी मूवी जैसे दृश्यम हो गई और ये सारी चीज़ें गोवा में ही शूट हुई, काफ़ी अच्छी भी लगती हैं मूवियाँ, बहुत अच्छी हैं। सो यहाँ पे जो है ना हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, और यहाँ पे जो है नाई काट बाल काटते हुए सब कुछ गांव की तरह, और ऐसे ऐसे बनाया गया ना यार, मैं कैसे बयां करूँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सच में। और जो है ना आपको हर एक चीज़ ना, आपको जो यहाँ पे बर्थडे है, पहले बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हुए लोग कैसे तैयार होते थे अपने बर्थडे पे यहाँ पे गोवा में, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। कॉस्ट्यूम पहले के ऐसी लड़की यहाँ पे पहना करती थी, सारी चीज़ें हैं। और वही खपड़े वाले घर अंदर साइड बहुत बहुत खूबसूरत है। आई नो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और शायद और लंबा हो, क्योंकि मैं सोच रही थी पूरा बिग फूट जो भी है उसे पूरा का पूरा मैं जो है उसको कवर कर लूँ, जैसे आप अगर घूमने ना आ पा रहे हो ना तो आप मेरे ब्लॉग में पूरा देख सके, तो आप इंजॉय कर सके इसलिए। सो अभी हम चल रहे हैं अंदर की, और यहाँ पे कुछ जो है गोवा की फेमस चीज़ें और बहुत सारे ऐसे सामान थे जो भी आपको लेना हो तो ले सकते हैं। फिर हम चल रहे हैं बाहर की ओर, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे भी जो है ना पहले जो गेम खिलाए जाते थे, फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे पहले बताया जा रहा था कैसे कौन कौन से यहाँ पे फूड कौन कौन से फेमस थे, वो सारी चीज़ें भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे पाव बनाया जा रहा है, सारी सारी चीज़ें यहाँ पे, क्या चीज़ यहाँ पे देखिए कैसे पहले जो है चूड़ी वाला के चूड़ियाँ पहनाता था घर घर पर, ये रीति रिवाज पहले भी रहा करते थे, हर एक जगह रहा करते थे, क्योंकि औरतें घर से बाहर नहीं निकला करती थी, तो ऐसे चूड़ी वाले चूड़ियाँ ऐसे सब आया करते थे और वो घर पे चूड़ियाँ पहना करते थे। तो ये रिवाज हर जगह थे, धीरे धीरे ये चीज़ें हट गई, और जो है अब तो शहरों में लोग बाहर ही निकलते हैं, गाँव में भी अभी कहीं कहीं जगह है कि घर की बहुएँ बाहर नहीं निकलती, तो बाहर से चूड़ियाँ आती हैं और वो सब,
होता है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे फूल वाली की एक शॉप बना दी गई है, यहाँ से लड़की फूल खरीद रही है। फिर गोवा का जो लोक नृत्य होता है उससे रिलेटेड भी बहुत सारे यहाँ पे जो है अलग अलग आपको दिख जाएगी। ऊपर साइड आप देख रहे होंगे आदिवासी जनजाति, उसके बाद फिर ये गोवा में जो पहले के हिसाब से क्या किया जाता था वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती हैं, सब कुछ यहाँ पे डिटो बताया गया है। तो वैसे भी आपको जो डिवाइस दिया जाता है ना उसमें सब कुछ आपको वो लोग बताते रहते हैं, आपको पूछा तस्वीर बतावा जा रही हो तो वो सब बताते रहते हैं यहाँ पे जो है कि यहाँ पे क्या है किस हिसाब से है, तो हर चीज़ आपको पता चल जाएगी, कोई चीज़ का लोड नहीं रहेगा आपके ऊपर। तो कितना खूबसूरत लग रहा है देखिए, बहुत प्यारा है ना। और जानी समय सो गई थी इस टाइम पे, इसलिए शांति से रिकॉर्ड कर रहे थे हर एक चीज़। और अभी सोचा है कि नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे हम लोग, तो अभी तो हम लोग जब भी इससे पहले भी मैं आई थी बार तो मैं सोची थी जो भी जगह है घूमने लायक वो सारी कवर कर लूँ, और आज होगा या नहीं हो सकता एक दिन और रुकना पड़े क्योंकि अभी मुझे और भी जगह घूमना है। सो अभी तो पार्ट टू है, हो सकता है पार्ट थ्री भी आए, सो हो सकता है नहीं आएगा ही आएगा क्योंकि घूमना है मुझे अभी और ज़्यादा, तो यहाँ काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही होगी ना। ये चनी बोर वाला देखिए, अब चनी बोर कुछ लोग जानते होंगे जो गुजरात के होंगे, बाहर के मुझे पता नहीं। और पहले देखिए चूल्हे कैसे हुआ करते थे लोग, है ना, ऐसे पहले गाँव में ना आम वाम पकाने के लिए भी क्या करते थे वो देखिए, ऐसे बना के इसमें आम रख दिए जाते थे जो पक जाते थे। और ये जो है ना ये मिठाई वाला, और जैसे देखिए मिठाई जैसे रियल लग रही है, ऐसा लग रही है फेक है, इतनी खूबसूरत सी लग रही है सब कुछ। तो चलिए अभी आगे चलते हैं, आगे क्या क्या है यहाँ पे आपको मोची दिख रहा है, मोची जूता बना रहा है, सारी चीज़ें वैसे गाँव की इससे रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल रही है ना, सभी गाँव में ऑलमोस्ट ऐसी सेम चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो कहा जाता है कि गोवा का कल्चर एकदम डिटो पहले बहुत ज़्यादा ऐसे ही था जैसे हर जगह होता है, बट धीरे धीरे जो है ये बीचेस की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा, और जैसे कि टूरिस्ट आने लगे ज़्यादा ज़्यादा, तो वो लोगों ने यहाँ पे सब कुछ एकदम ज़्यादा एडवांस हो गई हर चीज़ें। अदरवाइज मुझे आके एक अंकल जी मिले थे जो कि हमारे टैक्सी वाले थे, तो वो बता रहे थे, उन्होंने बोला पहले जो हमारे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना यहाँ पे जो समुद्र मंथन हुआ था और जो है अमृत निकाला गया था उसका पूरा वो दिया हुआ है। तो है ना वो अंकल बता रहे थे कि यहाँ पे अभी हमारी औरतें जो होती है ना वो मोस्ट ऑफ साड़ी पहनती है, जो बाहर से आते हैं उन लोगों ने धीरे धीरे वो कल्चर फॉरनर कल्चर आता रहा और अब सब जन वैसे रहने लगे। अदरवाइज यहाँ पे सब जन पहले ऐसे ही रहते थे, और कुछ जो है यहाँ पे केरला वाला रूल्स आता था, और थोड़ा बहुत जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको बॉम्बे साइड वाला जो है ना मराठी लोग वो चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी, जैसे पहने कपड़े के पहनने के तरीके हैं ये सब चीज़ें भी है ना काफ़ी हद तक मैच खाते हैं, गोवन कपड़े हो गए और मराठी कपड़े हो गए। चलिए अंदर चलते हैं। अच्छा यहाँ से खड़े रह के ही देखने हैं और कैसे नहीं, बस पाड़ा अंदर ही जाना है। डेंजरस क्या ये तो पेड़ के बारे में एनिमल है सर, सब का देखो एनिमल में तो मैं अंदर गई ना, मुझे नहीं पता था कि ऐसे कुछ आवाज़ें आ रही हैं अंदर, मैं गई तो मैं कहीं डर गई और कहीं भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ में तो सब हंसने लगे, बहुत सब जन यहाँ पे हंसने लगे, बहुत फनी हो गया था सच में, बहुत ज़्यादा फनी हो गया था मुझे ऐसा पता नहीं था कि एक ऐसी कुछ आवाज़ आएगी। तो सोचा लिया अब अंदर ले चलती हूँ मैं आपको जो बिग फुट का सबसे मेन जगह है ना वहाँ पे जहाँ पे वो पैरों के निशान पाए गए हैं। सोच लिया आप भी दर्शन करिए, कुछ लोगों का मानना है कि वो किसी ऋषि मुनि के हैं, किसी लोगों का मानना है कि कुछ यहाँ पे वैसे कुछ स्टोरी थी मैं भूल गई हूँ किसी राजा की स्टोरी बताई गई थी, किसी दानवीर राजा की थी जिन्हें भगवान का आशीर्वाद मिला था, उन्होंने तप किया था, उन्हीं के पैरों के निशान हैं ज़्यादातर यही माना जाता है, फिर वो हवा के द्वारा आसमान में चले गए। बट कुछ लोगों का मानना है कि वो एलियन के पैरों के निशान है, मुझे नहीं पता किसके पैरों के निशान है चलिए मैं आपको दर्शन कराती हूँ। और सब कहते हैं ना कि मान्यता बहुत फलती है, तो मान्यता जरूर मालूम। चलिए फिर दर्शन करते हैं, लोग कहते हैं ना कि हाँ की मान्यता बहुत फलती है, तो आप आइएगा तो जरूर यहाँ पे दर्शन करने आइएगा।
तो चलिए यहाँ पे आपको माता लक्ष्मी और विष्णु जी की बहुत भव्य जो है मूर्ति देखने को मिल जाएगी। इसके बाद चलिए मैं आपको दर्शन कराती हूँ जो सबसे मेन चीज़ है यहाँ की बिगफुट की उसका। तो ये आप ऊपर देख रहे होंगे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की, और नीचे और ये रहे पैरों के निशान। जी हाँ, इन्हीं पैरों के निशान जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग कहते हैं किसी ऋषि मुनि के हैं किसके हैं, पर ये पैर के निशान आपको भी छोटे दिख रहे होंगे ना, बट रियल में बहुत बड़ा पैर का निशान है ना। मैंने जब खुद से देखा तो बहुत बड़े पैरों के निशान है। आप सोचेंगे पड़ जाएंगे कि भाई इतने बड़े पैरों के निशान किसके हो सकते हैं सच में। तो आज का ब्लॉग मैं आप स्टॉप करती हूँ, तो कल मिलते हैं गोवा पार्ट 3 के साथ। तो आज का ब्लॉग मैं आप स्टॉप करती हूँ। तो प्लीज़ गाइस जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय बाय।